हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते करण औजला और राका से। तो जैसे कि लास्ट टू वीडियोस में मैं इनकी कंट्रोवर्सी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फिलहाल क्या चल रहा है। तो लास्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि राका लाइव आए थे अपने इंस्टाग्राम से और वहाँ पे वो ये भी कहता है कि अगर आपको लग रहा है कि मैंने कॉम्पोजिशन कॉपी करी है तो आप स्ट्राइक मार के मेरा गाना भी हटा सकते हो। तो फिलहाल उनका जो ऑन माई ओन ट्रैक था वो अभी यूट्यूब से रिमूव हो गया है और इसका अभी तक रीजन नहीं पता चला है। काफी लोगों का ये कहना है कि करण औजला ने इसको डाउन कराया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्राइक के बीच में एक पुराने गाने का छोटा सा स्नैपेट यूज करा गया है तो शायद उस कारण से गाना डाउन हुआ है। बाकी राका इससे रिलेटेड अपडेट देता है तो मैं आप लोग को बता दूंगा। खैर, नेक्स्ट अपडेट GD47 की साइड से। तो जैसे ही कल GD47 बताते हैं कि आज उनके लिए काफी बड़ा दिन होने वाला है, तो जी हाँ भाइयों, वो मिले विराट कोहली से। तो वो काफी सारी पिक्चर्स पोस्ट करता है। तो बात कर लेते कृष्णा के बारे में। तो गेमर फ्लीट ने एक रील बनाई थी कृष्णा के जूता जापानी ट्रैक पे। तो कृष्णा इसको शेयर करते अपनी स्टोरी में, शो सम लव टू माय ब्रो गेमर फ्लीट। खैर, अब बात कर लेते केडन शर्मा के बारे में। तो केडन शर्मा का एक पुराना ट्रैक है जिसको वो अपनी स्टोरी में डालता है, मेरा जूता नहीं जापानी, ट्रैक 2 साल पुरानी, सर पे दुनिया भर की टेंशन फिर भी दिल करता मनमानी। तो यहाँ पे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, शायद आप लोग समझ गए होंगे। खैर, नेक्स्ट अपडेट रागा की साइड से। तो रागा अपनी एक स्टोरी डालता है EP, साथ ही उनका भी एक इंटरव्यू देखने को मिलने वाला है Fever FM से। तो कंप्लीट इंटरव्यू कल आएगा, पर अभी इसका एक स्नैपेट सुनने को मिला है। Let's talk about गलत कर्म, ये बहुत है। तो क्या चल रहा है केस का? All these extortion calls are coming. 10 लाख दे दे, मेरे को काम है। इस नाम से तो पॉलिटिक्स तो नहीं ज्वाइन कर सकते, दो दो हो जाएंगे। मैं एंड मोदी जी शेयर्स बर्थडे एक साथ। मोदी जी का साल है, अपना साल है। अयोध्या से हो? घर में भी जश्न का माहौल है। जश्न का माहौल है। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। I lost my 3 friends bro who used to do with me while we were using in front of first one lift. उस रात वो उठा ही नहीं, हमें क्या पता था वो उठेगा नहीं। फनी या वियर्ड कौन सा कमेंट पढ़ा है तुमने? गले में क्या फंसा रखा है? इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, बादशाह, इक्का, रफ्तार, डिवाइन। इक्का। आर यू हंबल गाय? आई डोंट साउंड हंबल, आई नो। तो अब बात कर लेते जैस मानक के बारे में। तो जैस मानक का जो है वो एक प्रोजेक्ट आने वाला है मास अपील इंडिया से। इसका टाइटल है लव एंड लाइज। तो ये 25th को देखने को मिलेगा। खैर, नेक्स्ट अपडेट बादशाह की साइड से। तो बादशाह को स्टोरीज डालता है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रिपेयर यू फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैवी, वेरी सेक्सी एल्बम। लेट्स टेक इट अ लिटिल स्लो, वी डोंट नीड टू गो टू द वर्ल्ड विल कम टू अस। तो बात कर लेते सुखी और एडी नागर के बारे में। तो इनका होने वाला है काफी जल्दी कोलैबोरेशन। तो एडी नागर की तरफ से एक पोस्ट आई थी, सुखी एक्स एडी एक्स नागी वर्ल्ड। तो बात कर लेते हैं अमित ओचाना के बारे में। तो अमित ओचाना अपने कोई ना ट्रैक के बारे में बात करता है, कोई ना को इतना प्यार देने के लिए, दिल से प्यार सबको, अगला गाना जल्दी आएगा, उम्मीद है ऐसे ही प्यार मिलेगा। इसके अलावा DRV और काप का स्पीड डायल नाम का ट्रैक आउट हो गया है। साथ ही एमी वे एक पोस्टर डालता है, तू तेरा देख, अगला ऑडियो ड्रॉप, होल हार्टेडली एल्बम। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।